माई डैडी इज द बेस्ट। तो जो बेस्ट था हमने उसके साथ क्या किया, माथे पर सुपर हीरो वाला टैग चिपका दिया। और सुपर हीरो तो कुछ भी कर सकता है, उससे थोड़ी पूछते हैं कि आज मुश्किलों के कितने पर्वत पार किए, हमारी एक शर्ट सिलवाने में अपने कितने कुर्ते तार तार किए, उससे थोड़ी पूछते हैं कि हमारी जिदें पूरी करने के लिए कितने दिन ओवरटाइम करते हुए गुजार दिए, हमारे बचपन की एक मुस्कराहट जीतने में अपनी जवानी के कितने बरस हार दिए। और वो बुखार वाली रातें, हमारी फिक्र में सिर्फ माँ थोड़ी जागती थी, कच्ची नींद में सोते तो पापा भी थे, किसी की नजर नहीं गई पर रोते तो पापा भी थे। तो आज हम एक काम करेंगे, जिन आंखों को कभी गौर से देखा नहीं आज उन्हीं आंखों की इबारत पढ़ेंगे, जो धुन कभी गई ही नहीं आज उसी धुन पर झूमेंगे, रोटियां पकाने वाले हाथों को सलाम लेकिन आज हम रोटियां कमाने वाले हाथ चूमेंगे। शहर में बड़ी बड़ी दुकानें थीं, खिलौनों कपड़ों किताबों से भरी, और मेरे बाबूजी की एक छोटी सी नौकरी। वो बरसों अपने लिए नया कुर्ता नहीं सिलवा पाए, पुराना फटता और सिल जाता, पर कपड़े किताबें खिलौने मैं जो कुछ भी मांगता मुझे मिल जाता। कुछ किस्से हैं जो हमेशा के लिए दिल में दर्ज हो गए, मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा कि मेरी खुशियां खरीदने में मेरे बाबूजी खर्च हो गए। कभी कभी हजारों से मिलना पड़ता है ये जानने के लिए कि हमारे दुख दर्द में शरीक कौन है, बहुत दूर जाना पड़ता है ये समझने के लिए कि हमारे नजदीक कौन है। पापा आज मेरे सैकड़ों दोस्त यार हैं, सब मेरे सुख दुख में साझेदार हैं, लेकिन सिर्फ तुम हो जो मेरे लिए दोनों बाजू कटवा के भी एहसान का एक लफ्ज नहीं कहोगे, मेरे सबसे सच्चे दोस्त तुम थे और तुम ही रहोगे। बड़े भोले हैं बाबूजी, पूरी दुनिया से कहते फिर रहे हैं सच मेरा ख्वाब हो गया, मेरा बेटा कामयाब हो गया। हंसी आती है मुझे उनकी सादगी पर, कौन सी बात कहां लाके छोड़ी है, अरे ये कामयाबी आज की थोड़ी है, मैंने तो बहुत पहले कामयाबियों के सारे पायदान छू लिए थे, बुलंदियों के सारे निशान छू लिए थे, जब पहली बार बाबूजी ने मुझे बाहों में लेके उछाला था मैंने तो उसी दिन सातों आसमान छू लिए थे। मैंने सुना है ब्रुनेई का सुल्तान सैकड़ों कमरों वाले पैलेस में रहता है, अरब में एक शेख है जो सोने की बनी हुई मोटरकार से चलता है, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी नेटवर्थ 100 बिलियन डॉलर पार कर चुकी है, लोगों के पास इतने पैसे हैं कि रखने के लिए बैंक में जगह नहीं बची है, लेकिन अमीरों की लिस्ट में आज भी पहले नंबर पर मेरे बाबूजी जमे हुए हैं। मेरे बाबूजी जैसा आलीशान और कौन होगा जो कुर्ते की फटी हुई जेब में हाथ डालकर बोले मेरे बेटे को जो चाहिए मिलेगा, उससे बड़ा धनवान और कौन होगा। मैं डरता नहीं, किसी मुश्किल किसी चुनौती किसी आफत से नहीं डरता। मैं जानता हूं अगर मेरे पैरों में दुख का कांटा गड़ जाएगा, अगर मेरा वक्त बिगड़ जाएगा, तो कोई है जो मेरे लिए भगवान से भी लड़ जाएगा। जब तक वो झुर्रियों भरे हाथ मेरे सर पे हैं, मेरी शान जिंदा है, मेरा रुआब जिंदा है, कयामत भी आ जाए तो मेरा क्या बिगाड़ेगी, अभी मेरा बाप जिंदा है। यार पापा बड़े बेदर्द थे आप, बचपन में चलते चलते मैं गिर जाता तो मां गोद में उठा लेती और आप गोद से खींच के वापस जमीन पर उतार देते, कहते मजबूत बनो। स्कूल का पहला दिन, पहली बार मैं अजनबी लोगों के बीच अकेला था, इतना रोया कि 4 दिनों तक आंखें लाल रहीं, चुप कराने की जगह आप वही रटते रहे, रोना बंद करो मजबूत बनो। जब पार्क में झूले से गिर पड़ा, मेरी चोट की तरफ आपने एक नजर देखा भी नहीं, वही पुराना टेप चला दिया मजबूत बनो। बहुत सुन लिया मैंने,
मजबूत बनो, मजबूत बनो, मजबूत बनो, अभी आप मेरी सुनो। इस दुनिया में तब तक रहना जब तक मैं जाने के लिए ना कहूं, तब तक आंखें खोले रखना जब तक मैं सामने देखता रहूं। यार पापा कैसे समझाऊं, मैं इतना मजबूत कभी नहीं बन पाया कि तुम्हारे बगैर जी पाऊं। मैं बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ता था और इसी बात से रोज चिढ़ता था। मेरे दोस्त लंबी लंबी गाड़ियों में आते, मेरी तरह टिफिन के पराठे नहीं कैंटीन के समोसे खाते, और कुछ तो ऐसे भी थे जो साल में दो बार फॉरेन में छुट्टियां मनाते। किसी के डैडी डॉक्टर, किसी के पॉलिटिशियन, किसी के आला अधिकारी, और मेरे एक सरकारी दफ्तर में तीसरे दर्जे के कर्मचारी। एक दिन मैं फट पड़ा, ये क्या है यार पापा, आप सबकी तरह पैसे वाले क्यों नहीं हो? पापा कुछ बोले नहीं, दो शब्द भी नहीं कहे, बस भरी भरी आंखों से मेरी ओर देखते रहे। वो आंखें हमेशा के लिए मेरे दिल पर छप गईं। मैंने जो गलती की तुम मत दोहराना, मौसम का हाल उसे मत सुनाना जो तुम्हारे लिए रोज भागता रहा, सर्दी क्या, गर्मी क्या, धूप क्या, छाया क्या। जिसकी जिंदगी भर की कमाई तुम हो उससे मत पूछना कि तुमने कमाया क्या। यार पापा बड़ी नाइंसाफी हुई तुम्हारे साथ। लोग माँ के बारे में प्यारे प्यारे गीत लिख गए, बड़े बड़े कसीदे कह गए और तुम पीछे रह गए। पर ये बात दिल पे मत लेना, सबको माफ कर देना। तुम क्या हो ये किसी को एहसास भी नहीं है, जो तुम्हारी कुर्बानियां लिख पाए वो कलम तो विधाता के पास भी नहीं है। मेरे पास एक सुपर हीरो है, मेरा खुद का। वो कंधों पर पहाड़ नहीं उठा सकता, लेकिन मेरी जरूरतों का बोझ उठा लेता है। उसे आसमान में उड़ना नहीं आता, लेकिन मेरी उलझनों को चुटकियों में उड़ा देता है। वो मेरे लिए बसों के पीछे भागता है, सोने के वक्त जागता है, मुश्किलों के दो चार समंदर हर रोज लांघता है। मुझे किसी सफेद घोड़े वाले शहजादे का इंतजार नहीं, मेरे सुपर हीरो मेरे पापा हैं, और उनसे ज्यादा मुझे किसी से प्यार नहीं। बहुत छोटी थी मैं जब खिलौनों की दुकान से पापा मेरे लिए एक क्राउन ले आए थे। वो क्राउन पहनकर मैं क्वीन की तरह इतराती, डिब्बे जैसा अपना कमरा पैलेस की तरह सजाती। फिर मैं बड़ी हो गई, मेरे सपनों का जादू नगर पीछे छूट गया और वो क्राउन भी एक दिन हाथ से गिर के टूट गया। बरसों बरस बीत गए, लेकिन आज भी पापा मुझे ऐसे देखते हैं जैसे उस क्राउन के कुछ टुकड़े मेरे माथे पर अभी तक बाकी हैं। मुझे शहजादी होने के लिए किसी बादशाह की जरूरत नहीं, मेरे पापा काफी हैं। कभी सुख कभी दुख, हवाएं दोनों तरफ से बहेंगी, मुश्किलें आती हैं आती रहेंगी, लेकिन मैंने अपनी सारी मुश्किलों के नाम एक खत लिख दिया है। जब पापा घर पे ना हो तभी आना, वरना पछताओगी, मुझसे पहले मेरे पापा से टकराओगी। और तुम तो जानती हो बाप दुआओं वाला तावीज है, उससे टकरा के चट्टाने टूट जाती हैं, मुश्किल कौन सी चीज है। बॉयज आपने हार्ट वाले स्टिकर्स से मेरा मैसेज बॉक्स भर दिया और रोमांटिक मेल्स लिख लिख के मेरा ईमेल अकाउंट क्रैश कर दिया। रोज इतना प्यार भेजते हैं आप मुझे, शुक्रिया। मैं समझती हूं जो आपके दिल का आलम है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मेरे पापा। मां की हर ना पर चुपके से हां कर देने वाले मेरे पापा, एक मांगू तो 10 हाथ पे धर देने वाले मेरे पापा। अपना अंगूठा जूते से बाहर झांकता रहा और मुझे महंगे सैंडल्स दिलाकर खुश होते रहे। बेचारे सीधे साधे थे, पर मुझे बिगाड़ने का इल्जाम पूरी जिंदगी अपने कंधे पर ढोते रहे। और अब तो मैं सचमुच बिगड़ चुकी हूँ।
मेरा दिल जीतने कोई सफ़ेद घोड़े पर आए या फूलों की जगह खुद मेरे रास्ते में बिछ जाए। मेरा प्यार किसी ऐसे वैसे को मिलेगा नहीं, सॉरी मुझे मेरे पापा से कम कोई चलेगा नहीं। मैंने इस वीडियो में वो सब कहने की कोशिश की जो आप अपने पिता से कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाए। अब आपका काम शुरू होता है, आप अपनी भावनाएं मेरे शब्दों में ढालकर अपने पिताजी तक पहुंचाएं। थैंक यू फॉर योर टाइम।